ये आवाज सुनिए। 3 तारीख को चैलेंज करा जाता है, 10 तारीख को मार दिया जाता है। इस आवाज में दर्द है, प्रशासन के खिलाफ गुस्सा है। अगर 3 तारीख को एक्शन हो जाता तो ये मौत नहीं होती है। सीधे तौर पर कन्नौज पुलिस कटघरे में है और वाकया सिर्फ यही एक नहीं है। सुनवाई अगर होती तो ये मौत होती नहीं, सुनवाई नहीं हुई है। पुलिस प्रशासन की ढील है पूरी। ये खबर के मुताबिक कन्नौज के विशुनगढ़ थाना क्षेत्र के अलहना गांव निवासी वकील खान की गांव के ही अरुण यादव ने कथित तौर पर घर से बुलाकर गला घोटकर हत्या कर दी। उसका शव शनिवार की सुबह गांव के सुनील तिवारी के खेत में पड़ा मिला था। मृतक के परिजनों का आरोप था कि एक सप्ताह पहले अरुण यादव के साथ वकील खान का विवाद हुआ था, जिसमें मारपीट भी हुई थी। पुलिस से शिकायत की गई थी लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। 3 तारीख को चैलेंज करा जाता है, 10 तारीख को मार दिया जाता है। अगर 3 तारीख को एक्शन हो जाता तो ये मौत नहीं होती है। सुनवाई अगर होती तो ये मौत होती नहीं, सुनवाई नहीं हुई है। पुलिस प्रशासन की ढील है पूरी। ये रविवार को परिजनों ने उसे दफन नहीं किया। परिजनों की मांग थी कि पहले हत्यारोपी की गिरफ्तारी की जाए और मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता दिलाई जाए। इस बीच मंसूरी समाज के नेता भी गांव पहुंच गए। उन लोगों ने एसपी अमरेंद्र प्रसाद सिंह से मामले को लेकर वार्ता की। एसपी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि हत्यारोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। उसने चैलेंज सर चैलेंज करके ये मर्डर किया, 3 दिन में चैलेंज करके मार दिया। उसने 3 तारीख को ये कहा कि मैं अपनी तहरीर वापस लूँ, नहीं तो नहीं लोगे तो मैं आपका मार दूंगा दोनों भाइयों। और यहाँ पे पब्लिक इतनी उग्र हो रही है सर। मिश्रा जी ने कार्रवाई जी 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 तो सर उसमें बहुत सर मैं चाहता हूँ सांत्वना ऐसी मिले कि जो अभियुक्त है उसको सजा बड़ी होनी चाहिए और अभी जल्दी होना चाहिए आज सर। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें बनाई गई हैं जो दबिशें दे रही हैं। पुलिस अधीक्षक के आश्वासन के बाद रविवार की दोपहर मृतक वकील खान के शव को कब्रिस्तान ले जाकर दफनाया गया। द पंचौरा न्यूज के लिए छिब्रमऊ से अखिलेश सविता की रिपोर्ट। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जुड़े रहिए अपने शहरों की खबरों के संसार के साथ, पंचौरा न्यूज़ के साथ।